स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज मैं आपको जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है उसकी दूसरी मेथड बताने जा रही हूँ कि उसको किस किस तेल के साथ मिलाकर हम कैसे यूज़ करें। इसके पहले भी मैंने इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को किस तरह से लगाना है इसके बारे में आपको बताया है। अब ये जो दूसरी मेथड है उसमें क्या क्या यूज़ होगा, क्या क्या हम डालेंगे और कैसे लगाएंगे इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया है और कैस्टर ऑयल ले लिया है, मेथी पाउडर ले लिया है और ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और ये है कलौंजी ऑयल। तो हम एक ग्लास जार भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको बनाकर दिखाने के लिए एक ग्लास यूज़ कर रही हूँ कांच का। फिर आप इसको बनाने के बाद किसी भी कंटेनर में, किसी भी कांच के जार में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं जो ग्लास ली हूँ उसमें हम देखिए पहले क्या और कितना कितना ml डालेंगे। ये जो हमारा नारियल ऑयल है उसको हम लेंगे 90 ml और ये जो हमारा कैस्टर ऑयल है इसको हम लेंगे हम ले लेंगे 30 ml कलौंजी ऑयल और इसका आधा 15 ml कैस्टर ऑयल। इसे 15 ml इसलिए लेंगे, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको 15 ml तक लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे 15 ml ले लिया है। ये दोनों मिलाकर 45 ml हो गया है तो इसका ही दुगना हम 90 ml लेंगे कोकोनट ऑयल। यहाँ मैंने कोकोनट वर्जिन ऑयल ले लिया है 90 ml, उसे अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें मेथी पाउडर ऐड करेंगे 2 चम्मच। जो मेथी पाउडर होता है ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये भी हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत करता है। अगर किसी के बाल गिर रहे होते हैं तो आप इसे मेथी दाने को रोज़ भिगाकर ऐसे भी हम इससे बाल धुल सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आपको जो भी एसेंशियल ऑयल अच्छा लगता है, जैसे लवेंडर एसेंशियल ऑयल हो गया, टी ट्री एसेंशियल ऑयल हो गया या तो लेमन एसेंशियल ऑयल, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लिया है और इसके हमें 4 से 5 बूंद ही इसमें डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये रोजमेरी ऑयल बहुत फ़ायदेमंद एसेंशियल ऑयल है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर लगाएं। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ।